तो देख सकते हैं गाइस मेरे घर कितना 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 प्यारा फूल है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में, मैया बाबू ब्लॉग्स में। गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। ये फूल का मैं क्या बोलूँ, ठंड का मौसम में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि ठंड में और कोई भी फूल उतना फुलाता नहीं है। ये फूल तो बहुत फुलाता है, गुलदावरी का फूल मैं क्या ही बोलूँ। ठंड के मौसम में तो बहुत ही अच्छा होता है, खूबसूरत भी लगता है और फुलाता भी बहुत है। और गाइस ठंड के मौसम में गुलदावरी बहुत ही ज़्यादा फुलाता है और गर्मी के मौसम में उसका सीज़न ही नहीं होता है, तो गर्मी के मौसम में नहीं फुलाता है, इसमें ठंड के मौसम में इसमें ज़्यादा फुलाता है। तो ठंड में ही इसको ही लगाएं और ठंड में यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है और ठंड में पूजा वूजा के लिए भी ये काफ़ी आरामदायक होता है। अगर आपके पास एक भी फूल नहीं है तो इसका यूज़ कर सकते हैं पूजा में, आप इसका खूबसूरती के लिए भी लगा सकते हैं। और अगर कोई भी फूल नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ तो कुछ चढ़ाएंगे ना भगवान जी पे, या फिर तो उसके लिए इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप अगर कोई फूल ना हो तो। और अभी ऊपर छत पे बहुत ही ठंड है, हम लोग ठंडे में अभी ऊपर वीडियो शूट कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में गाइस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, खास करके मैं यूट्यूब के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई हूँ कि यूट्यूब पे ये वीडियो वायरल हो, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। प्लीज़ खास ये वीडियो वायरल हो जाए।